नमस्कार एवरीवन, आज मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में रिवाइज करवाऊंगा। सो हियर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो पहले हम फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में रिवाइज करेंगे, राइट। सो फ्रैक्शन का एडिशन आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यू ऑल नो दैट कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका एडिशन कैसे करना है। सपोज हियर इज 3/7 एंड हियर इज 5/7, राइट। यू कैन सी दैट बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो उसका एडिशन कैसे करना है। तो आपको डायरेक्टली न्यूमरेटर का एडिशन कर देना है अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो, राइट। तो हम पहले ऊपर वाले का एडिशन 3+5, डिनोमिनेटर एज इट इज, सो 3+5 इज 8, सो आंसर इज 8/7, क्लियर, 8/7। सो दिस इज द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर्स आर सेम, राइट। बट अगर यहाँ पे कोई एक सिंगल नंबर दिया है, सपोज ऐसा दिया है 3+5/7, देन व्हाट वी हैव टू डू, राइट। तो आपको क्या करना है, राइट। सपोज यहाँ कोई भी नंबर्स नीचे नहीं है तो उसके नीचे 1 तो होता ही है, राइट। अगर कोई नंबर सिंगल है और उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख देना, राइट। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें क्या करना है, तो हमें डिनोमिनेटर है वो सेम बनाना है। डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाएंगे, तो उसकी दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्टली अपना दिमाग चला के डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, और दूसरा आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये दो डिनोमिनेटर्स दिए हैं दोनों का, एलसीएम फाइंड आउट करके जो भी एलसीएम आए उतना ही डिनोमिनेटर हमें बनाना है। सपोज़ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, अब आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 1 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 7 बन जाएगा, राइट। सो सपोज़ हियर इज 3/1 है, अब 1 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 7 के साथ किया तो ऊपर भी आपको 7 के साथ ही करना पड़ेगा। 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7, सो ये हो गया 21/7, राइट। अब आ गया डिनोमिनेटर 7 और यहाँ पे 5/7 तो था ही, अब आपको ये दो नंबर का एडिशन कर देना है, यानी कि 3/1 की जगह पे आपको लेना है 21/7। सो 3/1 की जगह पे मैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड, सो 3/1 की जगह पे मैं 21/7 लिख देता हूँ, राइट। प्लस एज इट इज़ और 5/7 एज इट इज़, अब आपको दोनों का प्लस करना है। अब तो आपको आता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे प्लस करते हैं, सेम 21/+5 एंड डिनोमिनेटर 7। नाउ 21+5 26, सो 26/7 इज द आंसर, क्लियर। तो इसमें क्या करना है कि अगर डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट दिए हैं तो उसको सेम बना देना है मल्टीप्लाई करके। अब मान लो कि यहाँ पे कोई बड़ा नंबर है, राइट। सपोज मैं एक और आपको सम सॉल्व करके देता हूँ, 3rd 1, सपोज़ वहाँ पे ऐसा नंबर दिया है 5/8+9/32, राइट। अब इसका आपको एडिशन करना है, तो उसके लिए पहले आपको 8 और 32 दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आप कोई भी मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, डिवीज़न मेथड यूज़ करो, फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करो, चॉइस इज़ योर्स, राइट। मैं यहाँ पे फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करता हूँ। सो 8 है तो 4 2 जा 8, 2 के ऊपर सर्कल, फिर 2 2 जा 4, अगेन दोनों 2 के ऊपर सर्कल, राइट। अब मैं 32 के फैक्टर्स लेता हूँ, 16 2 जा 32, 2 के ऊपर सर्कल, 8 2 जा 16, 2 के ऊपर सर्कल, 4 2 जा 8, अगेन 2 के ऊपर सर्कल, एंड 2 2 जा 4, तो दोनों 2 के ऊपर सर्कल। अब 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 32 के
टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू यानी कि थ्री प्लस टू फाइव टाइम्स टू। अब क्या करना है आपको, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब दोनों में से जो कॉमन है वो निकालना है, राइट। ये टू दोनों में कॉमन तो मैंने यहाँ टू लिख दिया, ये टू दोनों में कॉमन तो मैंने यहाँ दूसरा टू लिख दिया, अब ये टू दोनों में कॉमन तो मैंने यहाँ तीसरा टू लिख दिया, जो बाकी ये दोनों बचा वो भी हमें यहाँ पे लिख देना है, राइट। सो टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, टू जा थर्टी टू, तो इसका एलसीएम क्या आया, 32। अब जितना भी एलसीएम आए उतना डिनोमिनेटर हमें बनाना है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 32 है, यानी कि ये तो 32 है तो इसको हमें बनाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे 8 है तो 8 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 32। तो आइए हम 8 को 32 बनाते हैं, राइट। सो हियर 5/8 दिया था, राइट, और 5/8 की जगह पे 8 को हमें 32 बनाना है। तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 बनेगा। 8 का टेबल आपको आता है, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा यानी कि हमें 32 बनाना है। तो 8 4 जा 32, तो नीचे 4 के साथ किया तो ऊपर भी 4 के साथ। नाउ 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। सो ये बन गया, ये भी 32 डिनोमिनेटर्स, राइट। अब हम इन दोनों का प्लस करेंगे, यानी 20/32 प्लस जो हमें दूसरा फ्रैक्शन दिया था, क्या दिया था दूसरा फ्रैक्शन, यू कैन सी दैट 9/32 प्लस 9/32। अब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे, 20 + 9 32 एज इट इज़, सो 20 + 9 इज 29/32। ये हो गया एडिशन। अब एक और ट्विस्ट इसमें आता है, अगर इसमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तब क्या करना है। सपोज ऐसा दिया हो कि 3 1/2 प्लस 5 1/4, राइट, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इसका एडिशन कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 3 2 जा 6, 6 + 1 7, सो ये हो गया 7/2 प्लस एज इट इज़ 5 4 जा 20, 20 + 1 21/4, सो ये भी हो गया कन्वर्ट, राइट। अब आपको क्या करना है, अब डिनोमिनेटर सेम करना है। अब ये नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, अब इसका एडिशन आपको आता है, अभी मैंने सिखाया, राइट। पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, राइट। सो हियर 7/2, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, सो 7 2 जा 14, 14/4 प्लस 21/4, 21 + 14, 35/4 आ गया हमारा आंसर, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल। अब सब्ट्रैक्शन में भी हमें वैसे ही करना है, राइट, बट यहाँ पे हम एडिशन करते थे उसकी जगह पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपल। लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज ऐसा दिया है कि 3 2/5 -1/4, राइट। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स नहीं है, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 5 3 जा 15, 16 and 17, सो 17/5 -1/4 एज इट इज़। नाउ यू ऑल नो दैट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा 20, राइट। देखो क्यू 20, बिकॉज 5 1 जा 5, राइट, एंड 4 का होता है 2 2 जा 4, यानी 5 के फैक्टर्स हो गए ओनली 5, एंड 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें से कुछ भी कॉमन निकलता नहीं है। तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो इसका एलसीएम आया 20, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स हमें 20 बनाने हैं, राइट। सो 17/5, 5 को 20 बनाने के लिए हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 के साथ 68/20, और जो दूसरा है 1/4 उसको हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
राइट। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, उसमें हम एडिशन करते थे, इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो 68 - 5/20, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 63, और इधर 20, सो आंसर इज 63/20। सो दिस इज अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट।